आपने SIP के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आप असमंजस में हैं कि इसका वास्तव में क्या मतलब है और इसे कैसे शुरू करते हैं? यहाँ एक स्नैपशॉट है जो आपको अपनी SIP यात्रा शुरू करने में मदद करेगा। SIP क्या है? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या SIP म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए एक स्मार्ट और परेशानी मुक्त उपकरण है। यह एक रेकरिंग डिपॉजिट RD के समान है, जहां आप नियमित रूप से एक निश्चित अवधि के लिए बचत करते हैं। अंतर यह है कि SIP के साथ आप म्यूचुअल फंड योजनाओं में नियमित रूप से एक निश्चित राशि का निवेश करते हैं। इन योजनाओं में लंबे समय में इन्फ्लेशन को मात देने और आपके लिए संपत्ति बनाने की क्षमता है। SIP के माध्यम से निवेश क्यों करें? कंपाउंडिंग की शक्ति। एक SIP जो लंबी अवधि तक जारी रहती है, उसको कंपाउंडिंग की शक्ति का उपयोग करने में मदद करती है। निवेश की गई छोटी छोटी रकमों से एक बड़ी धनराशि बन सकती है। क्या आप जानते हैं कि 25 वर्ष की आयु से महज 5,000 रुपए प्रति माह निवेश करके आप अपने रिटायर होने के समय तक 3.2 करोड़ रुपए की संपत्ति बना सकते हैं? यह कंपाउंडिंग की शक्ति है। आप छोटे से शुरू कर सकते हैं। जब तक आपके पास निवेश करने के लिए बड़ी राशि न हो, तब तक आपको प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। SIP के माध्यम से आप 500 रुपए प्रति माह जितनी छोटी राशि से भी शुरू कर सकते हैं। आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। SIP आपको निवेश की राशि, निवेश की फ्रीक्वेंसी, निवेश करने की स्कीम और SIP की अवधि का चयन करने की फ्लेक्सिबिलिटी देती है। आप अपनी आवश्यकता के आधार पर अपनी पसंद की योजना में दैनिक, मासिक या त्रैमासिक निवेश कर सकते हैं। बाजार के समय निर्धारण की जरूरत नहीं। SIP के साथ आप म्यूचुअल फंड योजनाओं में नियमित रूप से निवेश करते हैं, भले ही बाजार में उतार चढ़ाव हो। नतीजन खरीद की लागत एवरेज आउट हो जाती है निवेश की कालावधि में, और आपको बाजार के समय निर्धारण के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यह बहुत सुविधाजनक है। SIP के माध्यम से निवेश करना बहुत सुविधाजनक है। आपके द्वारा चुनी गई राशि आपके बैंक खाते से पूर्व निर्धारित आवृत्ति पर ऑटो डेबिट होती है, इसलिए आपको हर महीने कैसे निवेश किया जाए इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। नतीजन यह आपको वित्तीय अनुशासन देने में मदद करती है। इस प्रकार SIP निवेशकों को कंपाउंडिंग का लाभ लेने और लंबी अवधि में धन का निर्माण करने में मदद करती है। SIP कैसे शुरू करें? SIP शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले अपना KYC करवाना होगा। आप या तो एक वित्तीय सलाहकार से बात कर सकते हैं, या एक निवेशक सेवा केंद्र में या रजिस्टर और ट्रांसफर एजेंट जैसे कैम्स या कारवी जा सकते हैं, या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी जा सकते हैं। आपको अपने साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को ले जाना होगा: ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एक पासपोर्ट साइज फोटो और एक रद्द चेक। फिर आप ऐसी योजना का चयन कर सकते हैं जो आपके निवेश के उद्देश्यों और जोखिम प्रोफाइल के अनुकूल हो। इसके बाद आपको बस निवेश की राशि, आवृत्ति और समय अवधि तय करने की आवश्यकता है। अंत में आप अपना SIP शुरू करते हैं, जिसमें एक निश्चित राशि आपके द्वारा तय की गई आपके बैंक खाते से आपकी पसंद के फंड में निवेश की जाती है। और हाँ, आप कभी भी SIP रोक सकते हैं। रोकने के लिए कोई जुर्माना या शुल्क नहीं है। लंबे समय में SIP निवेश आपकी मदद कर सकता है। SIP से छोटी शुरुआत करके अपने जीवन के बड़े सपनों को पूरा करें। आज ही निवेश करना शुरू करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।